मेरा नाम हातिम शौकत है और मैं जो है कॉन्टोर में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी पोजीशन जो है वो प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, टीम लीड। टीम मैनेजमेंट में अभी कर रहा हूँ रिसेंटली। और मेरे पास जो है वो अभी जो करंट जो प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ वो एक मल्टीपल ERP से जो हम डेटा फेच कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक प्रोडक्ट है जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे इंटरव्यूज हो रहे थे तो उस टाइम पे जो हमारी कंपनी थी वो कॉन्ट्रोल काफ़ी शॉर्ट कंपनी थी, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। तो आपको उस टाइम पे जो है वो बिलाल और जवेरिया जो है वो आपको इंटरव्यूज के अंदर जाना वो देख रहे होते थे, सारी वही एक्सप्लेन कर रहे होते थे। तो जब मैं मेरे इंटरव्यूज हुए यहाँ पे तो वेटिंग टाइम के अंदर बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात की। वो सारे फेमिलियर फेसिस थे मेरे लिए, मेरे साथ काम किया हुआ था पहले उन लोगों ने। तो उससे मुझे जो है वो कोई ऐसी चीज़ मुझे फील नहीं हुई कि मैं किसी नई जगह पे आ रहा हूँ। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लोग जो थे फेमिलियर थे, तो ये कि ये चीज़ मेरे लिए जो थी वो एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बड़ा एक कंफर्टिंग सा मेरे लिए एक वो था कि। और उसके अलावा जो दूसरे लोग जिनके साथ मैंने ज्वाइन किया वो लोग भी बहुत मतलब कोऑपरेटिव थे, सारे जो वो सीजन प्रोफेशनल्स थे। हातिम के साथ मैं 2017 से काम कर रहा हूँ, विच इज़ लाइक 7 to 8 years नाउ। और हातिम की स्पेशल बात यह है कि हातिम जैसा काम एंड कंपोजिट बंदा मैंने अभी तक नहीं देखा। चाहे कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, हातिम इज़ ऑलवेज काम एंड कभी पैनिक नहीं करते वो। मैंने हातिम के साथ 2017 से मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर काम स्टार्ट किया था। आई यूज टू वर्क क्लोजली विद हिम, आई वाज द लीड एंड ही वाज वर्किंग विद मी। एंड देन फिर जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ते चले गए तो हातिम बिकेम द टीम लीड फॉर वन ऑफ आर ग्रोइंग प्रोडक्ट्स विच इज टच पॉइंट। और इन थ्रू आउट दीज ईयर्स हातिम ने अपने आप को काफ़ी ग्रूम किया, काफ़ी ग्रो किया। ही प्रूव टू बी अ टीम लीड फॉर हिमसेल्फ एंड नाउ ही इज मैनेजिंग अ वेरी गुड टीम, अ बिग टीम एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। हातिम के साथ मैंने जितना भी टाइम काम किया है तो ही इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टफुल विद हिज पीयर्स। चाहे कोई दूसरे लोग कितने भी क्रिटिकल टू कम्युनिकेट विद हो, कितना ही प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन हातिम ने हमेशा रिस्पेक्टफुली उन लोगों के साथ काम किया है एंड ही गेट्स द थिंग्स डन। कंट्रोल में जो हम अगर आप पर्सनल लेवल पे आप देखें तो जो इनकी जो है वो बहुत अच्छी बात यह है कि इनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो जो है वो काफ़ी जो है ना वो अच्छा है। और इसमें जो है वो कोशिश इनकी यही होती है, इवन जो यहाँ पे लोकल फंक्शनल मैनेजर्स हैं वहाँ से लेके जो इवन आपके जो ऑफशोर मैनेजर्स हैं वहाँ भी उनकी भी जो है वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। प्लानिंग के ऊपर इनका फोकस काफ़ी ज़्यादा होता है और प्लानिंग का एडवांटेज ये है कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं फील होता नियर डेडलाइंस के। जैसे कन्वेंशनली अगर आप देखें तो एक इंडस्ट्री के अंदर एक वो चीज़ होती है, जैसे जैसे डेडलाइन नज़दीक आती है तो आपकी जो है ना वो वर्कलोड आपका जो है ना वो बढ़ता रहता है। और उसमें चीज़ें वो ये होती है कि अगर आप सही से मैनेज करके नहीं चलेंगे तो इन द एंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि हर कोई जो है वो जैसे अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो एक वो कॉमन टर्मिनोलॉजी है कि भाई नाइटें लग रही हैं। तो ये वाली चीज़ कॉन्ट्रोल में जो है वो बहुत कम है। कभी कभी कोई रेयर एक्सेप्शन होती है तो वो मसला होता है तो वो अलग बात है, लेकिन जनरली सबकी जो है वो फोकस और जो उनका जो एफर्ट है वो यही है कि आपको एक वीक के अंदर जितना काम बैलेंस आउट करना चाहिए उसके हिसाब से वो प्लान करते हैं। और यही वजह है कि आपको जो है वो जनरली जो है ना वो कभी इतना स्ट्रेस पर्सनल लेवल पे इतना फील नहीं होता कि ये जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा आप ओवर ओवरवेलम फील नहीं करते कि इतना सारा काम आ गया है मेरे पास और मैं इसको कैसे करूँ और मुझे बहुत लेट नाइट इसको काम करना पड़ रहा है या वीकेंड्स पे काम करना पड़ता है। तो ये चूँकि मैनेजमेंट और प्लानिंग वाली चीज़ें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो इसकी वजह से ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही आपको अगर आप एक विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या रोड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं कि अब अगले 1 महीने में मुझे ये करना है, अगले जो है वो 3 महीने में मुझे ये करना है, मेरे साल का एंड ऑफ ईयर विजन ये है, ये मेरे टारगेट्स हैं। तो वो टारगेट्स और वो प्लान्स जो हैं वो काफ़ी जो है ना वो बहुत ही सोच समझ के वो लोग बनाते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है वो अगर आप उसको ओवर द ईयर्स आप देखेंगे 10 ईयर्स
या उससे ज़्यादा अगर आप देख रहे हैं, तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है कि आपको बर्नआउट इतना फील नहीं होता, तो उसकी उससे आपको जो है ना वो काम करने में जो है ना वो कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आपको वो फ्रस्ट्रेशन हो रही हो कि ऑफिस जाना मुश्किल है, काम करने में दिल ही नहीं लग रहा, प्रोजेक्ट से आप काम नहीं करना चाह रहे। तो ये वाली चीज़ें जो है ना वो आपको वो मोटिवेट करती हैं कि ओवर द टाइम, टाइम आफ्टर टाइम, डे आफ्टर डे जो है ना आप इसके ऊपर जो है ना वो काम करते रहें, क्योंकि आपका जो है ना ये वाली चीज़ जो है वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो इनका जो एक मैं कहता हूँ ये बहुत इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन एंड सिंस देन इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम. Of course, he has worked so many years, so he has gained a lot of knowledge. But the thing that impresses me is the way he explains a complex problem in simple terms and bahut ground level pe junior resource ko. So that's very helpful. And his leadership qualities are what stands out the most to me. Because whenever there is a challenging situation, he has always maintained his composure and created a very relaxed environment for the team. This has helped the team to get through a lot of tough situations, and jab bhi koi difficult situation hoti hai and he recognizes that a junior resource is finding a bit difficult to handle it, he never hesitates to step in and help the junior resource out. So he's a true lead who has got the team's back. Professional cheezon ke sath sath jo aapki personal cheeze hain wo bhi aap dekhe, maine control ke andar बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एज ए पर्सनल लेवल पे मैंने ट्राई की हैं जो शायद मैंने पहले कभी भी नहीं की थी, कभी शायद मैंने सोचा भी नहीं था। तो इनके जो जैसे जिम है, मैंने इससे पहले कभी कहीं और कोई जिम विम ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन है कि कॉन्टोर में जो है मैंने कुछ टाइम पे ट्राई किया था कि वहाँ पे जिम के अंदर कैसे, तो वहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी हेल्प किया कि आप ये चीज़ करें इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं कि जैसे टेबल टेनिस हो गया, दूसरे बहुत सारे एंटरटेनमेंट के इवेंट्स कॉन्टोर होस्ट करता है, वहाँ पे भी जो है वो आपको जो है ना वो बहुत ही फ्रेंडली जो है वो एटमॉस्फेयर मिलता है, और उसमें जो है ना वो सारे लोग जो है ना वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और डिफरेंट आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के लोगों से आपका इंटरेक्शन हमेशा रहता है। हातिम भाई जो है ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली भी जो है मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं हातिम भाई के साथ जो है वो डिस्कस करता हूँ, और हम इसको हम हातिम भाई को जो है एनालिस्ट कहते हैं कि इनके तबसरे जो है वो बहुत अच्छे होते हैं और उनसे इनका जो मशवरा होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो किसी भी प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पे कोई भी इशू या प्रॉब्लम हो, हातिम भाई से आप जाके डिस्कस करें तो आपको जो है ना कोई सोल्यूशन जो है वो मिल जाता है। अभी रिसेंटली जो है एक ऑफशोर मैनेजर ने विजिट किया था यहाँ पे, तो उससे मेरी ऐसी बात हो रही थी, तो उसने एक चीज़ पॉइंट आउट की, उस टाइम पे मैंने भी रियलाइज़ किया, लेकिन चूंकि वो कनाडा से आया हुआ था मैनेजर, तो उसने ये चीज़ पॉइंट आउट की कि आपके पास एक ही फ्लोर पे जो है ना इतनी वर्सटैलिटी है, इतनी वैरायटी है, इतना वास्ट एक्सपीरियंस है और इतना डिफरेंट मतलब इतना डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये कि ये चीज़ आपको हर जगह पे पॉसिबल नहीं है कि आपको ये मिले। इवन अगर आप कोई मिड साइज कंपनी में देखें, स्मॉल टू मिड साइज, उसमें जनरली एक ही तरह का काम हो रहा होता है या थोड़ी बहुत उसमें वैरायटीज होती हैं। तो ये चीज़ उसने पॉइंट आउट की कि आप अगर आप कंट्रोल में आप देखें तो एक ही, अगर आप एक ही गो में आप देखें तो आपको इतना मतलब जितनी वैरायटी और जितना डिफरेंट तरह का काम करने वाले लोग हैं, उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो आपको जो मिलेंगे वो शायद आपको किसी और जगह पे ना मिलें। और ये अगर आप कोई भी न्यू जॉइनर जो है वो जो भी रिसेंटली जॉइन करना चाह रहा है कॉन्टोर को, और जो भी रिसेंटली अभी कर भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये एक मेरा मैसेज है कि ये जो लोग हैं इनसे जो सीखने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिमिटलेस हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब यूनिक टू कॉन्टोर है, और शायद ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे इस लेवल की आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती।